कल्कि के डायरेक्टर ने दे दिया बड़ा हिंट। कल्कि के सिक्वल में कौन बनेगा कृष्णा, अब हो गया खुलासा। जी हाँ, कल्कि के सिक्वल में महेश बाबू का नाम आगे चल रहा है कृष्ण के रोल को लेकर। तो क्या वाकई में कल्कि 2898 AD के सिक्वल में कृष्ण का रोल करेंगे महेश बाबू? आइए जानते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस बारे में क्या कुछ खुलासा किया है। दरअसल प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD जब से थिएटर में रिलीज हुई है, तब से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झाम फाड़ कमाई कर रही है। लोगों को फिल्म की कहानी से लेकर इसका VFX और एक्टर्स की एक्टिंग पसंद आ रही है, खूब भा रही है। जहां कुछ लोग इसके लास्ट फाइटिंग सीक्वेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके सेकेंड पार्ट को लेकर के बातिंग करने लग गए हैं, फिल्म के सीक्वल की डिमांड करने लग रहे हैं। ऐसे में नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में कल्कि के सिक्वल और भगवान कृष्ण को लेकर के खुलासा किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कल्कि नाग अश्विन के करियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है। इसी पर बात करते हुए नाग अश्विन ने कहा है, कल्कि जैसी फिल्म हमारी इमेजिनेशन से परे थी। ये बेहद एम्बिशियस फिल्म थी, बहुत कुछ दांव पर लगा था। कई मेकर्स इस साइंस फिक्शन फिल्म के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अगर ये फिल्म नहीं चलती तो इसके लिए कई और दरवाजे सालों के लिए बंद हो जाते। इतना ही नहीं, नाग अश्विन ने फिल्म में दिखाए गए कृष्ण के किरदार पर भी बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या कल्कि के सिक्वल में महेश बाबू कृष्ण के रोल में नजर आएंगे, तो नाग अश्विन ने कहा, बस इसी वजह से मैं कृष्णा को फिल्म में इसी तरह से दिखाना चाहता था। मुझे पूरा यकीन था कि श्री कृष्ण को हमें किसी शेडो या छाया में ही दिखाना है, उनके किरदार को कोई चेहरा या आकार नहीं देना, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता है तो आप उस किरदार को मानवीय बना देते हैं। हम उस किरदार का ह्यूमनाइज करना चाहते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं। हालांकि कल्कि में श्री कृष्ण का ये किरदार तमिल एक्टर कृष्ण कुमार ने प्ले किया है। बता दें कि नाग अश्विन कृष्ण के रोल में महेश बाबू के होने के बाद पर उन्होंने फिलहाल के लिए साफ कर दिया है कि वो कृष्ण के रोल को शैडो वाला ही रखना चाहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर पब्लिक ने कृष्ण के रोल के लिए महेश बाबू का नाम सजेस्ट किया है, इवन कर रहे हैं। खैर, आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि कल्कि के सिक्वल में कृष्ण के किरदार में महेश बाबू को ही दिखाया जाना चाहिए? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।